सूजी का नाश्ता बनाने जा रही हूँ आज। मैं घर में अकेली हूँ तो मैंने सोचा क्या खाना बनाऊँ, क्या वो बनाऊँ। तो मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया है और 1 कप दही लिया है, जिसको मैं भिगा करके भूल गई, मतलब भूल किया गया, मैंने छोड़ दिया कि काफी जो है फूल जाए। और इस तरह से मैं भिगो करके सुबह अपना सारा काम करने लग गई। काम की तब तक ये बहुत अच्छे से फूल चुका है, देखिए इसमें कोई हीनो वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स काट के, गाजर 1 है, 1 शिमला मिर्च है, थोड़ी सी हरी मिर्च है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं, मेरे पास यही उपलब्ध थी तो इस समय यही हमने ले लिया। अब इन सबको हम जो है इसमें हम डाल देंगे। इनो की कोई झाड़ नहीं है, अगर आप तुरंत घोल के बनाते हैं तो आपको इनो डालने की जरूरत है, और नहीं तो पहले से ही आप डिसाइड कर लीजिए कि हमें ये बनाना है और भिगो के रख दीजिए, अच्छे से फूल जाएगा और हेल्दी एक नाश्ता आपका तैयार हो जाए। ना कोई ऑयल है और ना ही तो इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको नुकसान दे, और ब्रेकफास्ट में बहुत ही फायदेमंद है। ये देखिए इसमें पसंद, अपने पसंद अनुसार या स्वाद अनुसार कोई भी नमक डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लैक साल्ट डाल रही हूँ। ये डाइजेशन के लिए भी फायदेमंद होता है स्वाद अनुसार। और थोड़ी कुटी हुई काली मिर्च इसमें मैं ऐड कर दूंगी, और इसमें मैं डालूंगी 1 पिंच हींग। ये बहुत ही फायदेमंद है, डाइजेस्टिव है, और इन सबको अच्छे से इसमें मिला लूंगी। इसमें कोई मसाला ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये आपका बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। अब इसको मैं साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर लेती हूँ एक बॉल, इसमें मैं बनाऊंगी। आप कोई भी मोल्ड, कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप बनाना चाहें। तो इसमें मैं थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल नहीं डालना है, कोई भी आप खाने वाला तेल डाल दीजिए। अगर आपको सरसों का तेल डालेंगे ना, अगर आप सरसों का इसमें तेल डालेंगे तो वो साइडों से पीला पीला हो जाएगा, और इसको ऐसे हम लगा देंगे सब में, ताकि इडली हमारी आसानी से, इडली जो है मतलब ये नाश्ता जो है हमारा सूजी का अच्छे से छुप जाएगा, इसमें चिपकेगा नहीं। और इसके बाद इसमें हम इसको फिल कर देंगे। ये देखिए वीडियो पॉज हो जा रही है, कोई दूसरा बर्तन लूंगी और इसमें भी इस तरह से ऑयल ग्रीस कर लूंगी, चार तरफ लगा लूंगी। उसको दिखाना मैं मेरी वीडियो पॉज हो गई, और इसको इस तरह से ग्रीस कर लूंगी। इसके बाद जो ये मटेरियल बचा है इसको भी मैं इसमें फिल कर लूंगी। से बराबर कर दूंगी, थोड़ा खाली रखेंगे क्योंकि फूल की इडली हमारी बाहर तक आ जाएगी। आपके पास इडली मोल्ड नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब इडली मोल्ड में ही बनाएं, किसी भी बर्तन में आप बना सकते हैं। इसको टैप कर लेंगे हम। चटनी बना रही हूँ, हरी धनिया लिया है, थोड़े से लहसुन लिए हैं, और 2 हरी मिर्च लिए है, और थोड़ी सी ये मैंने बूंदी डाल दी है इसमें, और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसमें दही ऐड कर दूंगी मैं, और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दें। मैंने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट लिया है, दही की जगह पे आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है इसका फ्लेवर, इसलिए मैंने इसको ही डाला है। तो ये देखिए सुंदर सी प्यारी सी हमारी ये चटनी बन के तैयार हो गई है, और इसमें मैं इस तरह से बाउल में इसको डाल दूंगी। मुझे अकेले के लिए खाना है तो इतना पर्याप्त है। तो इसको हम खोल के देखेंगे, चेक कर लेंगे, बीच बीच में खोल लेंगे कि ये मतलब देख लेंगे, चेक कर लेंगे 2-4 मिनट बाद कि ये पका कि नहीं पका है। और ये देखिए मेरा फुला फुला बिल्कुल बन चुका है इडली, ये नाश्ता। और इसको हम नाइफ से चेक करेंगे ये पक गया कि नहीं पक गया, जब इसमें चिपक के लग के आएगा तो समझ पक। नाइफ में नहीं लगा है,
इसका मतलब नहीं चिपका, इसको भी हम चेक कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा अभी लग रहा है लेकिन पक चुका है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इस डीमोल्ड तब करेंगे इसको हम ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम बाद में ऐसे देखिए बिल्कुल भी निकल के मोल्ड से तैयार। इसी तरह से हम दूसरा भी ये निकालेंगे, ऐसे घुमाएंगे ऐसे घुमाएंगे और इसको ऐसे कर दीजिए। देखिए आराम से निकलते। आप इसको ऐसे चाहे तो खा ले इस तरह से ही, और या तो इस पर आप तड़का लगा खा ले। मैं तो इसको ऐसे रखूंगी। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।